जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज के आइसोलेशन वार्ड में कोविड 19 से पीड़ित रोगियों और ऐसे मरीजों के रिश्तेदारों के आक्रोश से बचाव के लिए डॉक्टर कुमार गौरव की सुरक्षा के लिए राइफल के साथ गार्ड मौजूद हैं। वहीं राइफलों से लैस गार्ड डॉक्टर कुमार गौरव को गंगा नदी के किनारे में अवस्थित JLNMCH अस्पताल परिसर का चक्कर लगवाने में मदद करते हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सर, एक चर्चा चल रही है, जब आप इमरजेंसी में राउंड में जाते हैं तो आपके साथ हथियार के साथ राइफल के साथ जो गार्ड होता है, कारण क्या है सर? नहीं, वो गार्ड्स जो आर्म्स गार्ड हैं वो एक्स मिलिट्री मैन हैं, जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अस्पताल की सुरक्षा के लिए हैं, लोगों को संभालने के लिए। वो मेरे किसी डॉक्टर के पर्सनल गार्ड्स नहीं हैं, वो अस्पताल में देखभाल के लिए सुरक्षा। हम लोग कुछ एक्स मिलिट्री मैन को एम्प्लॉय करते हैं, कुछ सिविलियंस को भी एम्प्लॉय करते हैं, वो अस्पताल की विधि व्यवस्था के लिए वो लोग। सर, कई बार ऐसा चर्चा आ रहा है कि कोविड 19 में आइसोलेशन में जो मरीज भर्ती हैं तो कभी उनके परिजन ना चाहते हुए भी जो उसमें एंट्री हो जाता है उनका, और आक्रोशित होता है क्योंकि डॉक्टर पर जो है हमला भी करने के चांसेस रहता है, तो कहीं इसको लेकर के तो मरीज हमारे यहाँ भर्ती है, उनके परिजनों को ये रहती है कि हमारा मरीज कैसा है, उनको देखने की इच्छा होती है, वो हाल चाल पूछना चाहते हैं, घर का बना हुआ खाना उनको खिलाना चाहते हैं। हम लोग उनको समझाते हैं कि हम लोग अस्पताल में भर्ती मरीजों को हर तरह की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उनके खाने पीने दवाई से लेकर के और जो चीज़ें होती हैं, हमारी नर्सेज, हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स उन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। और मरीजों के परिजनों को हम लोग ये समझाना चाहते हैं, आप बार बार जो मरीज़ के पास आते हैं वो मरीज़ पॉजिटिव हैं, आप उनसे भी इन्फेक्शन लेकर के अपने घर में और समाज में जा सकते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आइसोलेशन में जो मरीज़ हैं उनको उन लोगों से दूर करके रखा गया है ताकि वो स्वस्थ हों और इन्फेक्शन को फैलाएं नहीं। फिर भी अगर हम हर बार उनके पास जाएंगे ये देखने के लिए कि मेरा मरीज कैसा है, तो ये स्प्रेड होगा, इससे इन्फेक्शन का कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ेगा। हम ये समझने की ज़रूरत है। हम लोग कभी कभी रोकने की कोशिश करते हैं तो लोग इस बात को शायद नहीं समझ पाते, उनका अपने मरीजों के प्रति जो इमोशन रहता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है, बतौर इस बात को समझने की कि इन्फेक्शन उनको भी हो सकता है। कहीं ना कहीं से हम लोगों में भी शायद ये कमी है कि हम लोग शायद उनको नहीं समझा पा रहे हैं अपनी पूरी कोशिश के बाद भी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और समझा पाएँ उनको। हम लोग ने हर वार्ड में CCTV कैमराज भी लगाया हुआ है, हम लोग सवेरे शाम हेल्थ बुलेटिन जारी करते हैं मरीज की जो स्थिति है उसके बारे में उनके परिजनों को अवगत करा सकें। हमारे यहाँ का एक कोविड केयर सेंटर रन करता है, हमारे यहाँ का एक कंट्रोल रूम एक रन करता है जिसमें आप अपने मरीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके मरीज़ की कंडीशन कैसी है। ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एक अपनत्व का भाव जो उनके परिजनों में है वो हावी हो जाता है, इस कारण से कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन पहले से ये दिक्कतें काफ़ी कम हो गई हैं, लोग समझदार हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ों को, उनका अस्पताल की व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ा है। सर, जब तक संसाधन की बात करें तो आपके पास पर्याप्त संसाधन है क्या, और क्या क्या अपेक्षा है सरकार से? हमारे पास अस्पताल में अभी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे पास लगभग 900-950 के आसपास बेड्स हैं, हमारे पास लगभग जितने मरीज हमारे पास हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पाइपलाइन से मिनी फोल्ड से ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध है। जिन बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट पाइपलाइन से नहीं है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल है, हमारे पास लगभग 36 बेड का ICU अवेलेबल है, हमारे पास लगभग 35-37 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है फंक्शनल, और ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। और हमारा ये अस्पताल आसपास के 10-12 जिलों के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करता है। हम भागलपुर और उसके आसपास की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, सरकार ने सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझना है। ये एक महामारी का समय है, हम लोगों को संयम की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, पैनिक नहीं होना है। बिहार सरकार ने संजीवन नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है जिससे आप इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं, आसपास के अस्पताल में टेस्टिंग कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं, आपको एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, घर से आने के लिए सुविधा चाहिए, ये सारी सुविधाएँ बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है। आपके पास ग्रीवांस के लिए भी ऑप्शंस हैं, आप कोविड केयर सेंटर में या कंट्रोल रूम में जो नंबर है, जो मरीज भर्ती हैं उनको किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप उस पर वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, हम लोग तुरंत उसके निस्तारण की कोशिश भी कर रहे हैं।